बड़वानी जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से महाराणा प्रताप के 479वीं जयंती के अवसर पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली गांधी चौक ठिकरी से सुबह शुरू की गई, जो दवाना अंजड़ के दशहरा मैदान होते हुए बड़वानी पहुंची। बड़वानी स्थित देवी सिंह गार्डन में महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित की गई। इस मौके पर शिवपाल ने कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों से हिंदू समाज की रक्षा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दिया। हल्दी घाटी जैसी लड़ाइयाँ लड़ते हुए अपने प्राण को न्योछावर कर दिए, लेकिन मुगल बादशाहों के आगे घुटने नहीं टेके और न ही उनकी कभी अधीनता स्वीकार की। इसलिए राजपूत समाज महाराणा प्रताप को अपना आदर्श व प्रतीक मानता है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में ठिकरी से बड़वानी तक बाइक रैली शौर्य यात्रा निकाली, जिसमें युवा वरिष्ठ सभी सदस्य मिलकर, महिलाएं लेकर बड़वानी आकर महाराणा प्रताप जी की माल्यार्पण कर समापन किया गया। मैं राकेश सिंह जादौन, जिला राजपूत समाज का जिला सचिव हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि आज राजपूत समाज ने राजपूत समाज जिला बड़वानी ने महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा, जिनके उनके चित्र पर माल्यार्पण कर सभी राजपूत सरदारों ने भावांजलि प्रस्तुत करी। इसी तारतम्य में समाजजनों की एक बाइक रैली जो ठिकरी से प्रारंभ हुई थी, ठिकरी होकर दवाना अंजड़ आदि मार्गों में होते हुए समाज के सभी लोगों को साथ लेकर बड़वानी आई और यहां हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप जयंती मनाई और तत्पश्चात स्नेह भोज का जो आयोजन किया गया, हम उस स्नेह भोज का आनंद ले रहे हैं।